पंचायती राज चुनाव में आगे चल रहे प्रत्याशियों का जुलूस निकलना शुरू हो गया है। पूरे जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सिमरिया विधानसभा के क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 से विजयी प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह जहां जुलूस निकालकर बसामन मामा पहुंचे, तो वहीं वार्ड क्रमांक 4 जो कि महिला सामान्य के लिए आरक्षित था, उस वार्ड से सुंदरिया कॉल को जनता ने विजय श्री दिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के करीब पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 4 सामान्य महिला होते हुए भी सुंदरिया कॉल को जिताना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा की एक सोची समझी राजनीति थी। जिस तरह से विजय जुलूस के दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभय मिश्रा जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि पूर्व जिला पंचायत अभय मिश्रा अपनी कुर्सी अपने ही विधानसभा क्षेत्र के सुंदरिया कॉल को देना चाहते हैं, जिसके लिए सियासी गणित बिठाकर विरोधियों को पटखनी देने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं जुलूस के दौरान किस तरह से आदिवासियों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों ने उत्साह दिखाया और सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्याशी को विजय दिलाई है। निकाले गए जुलूस को लेकर कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने कहा कि विधायक को ये खुली चुनौती है। जिस तरह से उनके द्वारा क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न किया गया था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, अब उसका जनता ने जवाब दे दिया है। आइए सुनते हैं विजयी प्रत्याशी सुंदरिया कॉल, उनके समर्थक और भागीरथी शुक्ला को कि उन्होंने क्या कहा है। जिला जिंदाबाद, जो हमें जिताया है मैं उसके चरणों की आशीर्वाद। जिस आशा से हमको लोगों ने जिताया उनकी आशा में हम खड़े उतरे, जिस आशा से जिताया उसकी आशा में खड़े। एक काम करें, आप वार्ड क्रमांक 4 जिला के प्रत्याशी समर्थक हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम लोगों ने भरपूर प्रयास करके सुंदरिया मोले आदिवासी को अपने वार्ड में इसलिए चुना है कि अपने ये जिला का अध्यक्ष बनकर के हमारे पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करें, और ये पूरी आशा है कि अध्यक्ष बनकर के हमारे पूरे जिला के जनप्रतिनिधि, हर पंचायत का जितने भी रीवा जिले में पंचायत हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सक्षम है। और पूरी आशा के साथ हम लोगों ने इसीलिए इनको चयन किया, इनके समान कोई दूसरा योग्य प्रत्याशी हम लोगों के समझ में नहीं आया, इसलिए सुंदरिया मोले आदिवासी को हम लोगों ने भरपूर सहयोग दे करके इनको विजयी बनाया। और आशा भी है, पूरी उम्मीद है कि अपने वादे में पक्के उतरेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर के किसी के दबाव में ना रह करके पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी और हर पंचायत का वो विकास करेंगी कि लोग देख करके हैरान रह जाएंगे, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हो। ऐसा जिलाध्यक्ष आज तक ना मिला है ना मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ इन लोगों के लिए हम लोग पूरे साथ होकर कांग्रेस पार्टी के साथ आदिवासी। सबसे पहले बात ये थी कि हमारे सिमरिया क्षेत्र में जरूर यह महिला सामान्य वार्ड था, पर जनता जनार्दन ने इसलिए चुना कि यदि हमारे इस वार्ड की ये आदिवासी महिला बहन सुंदरिया जी
जनपद जिला पंचायत की सदस्य चुन के जाएंगी तो हमारे यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष के कारण सामान्य लोगों के सीटों पर लड़ के और आज यह विजय घोषित किए हैं। इसके लिए मैं इस जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 की जनता जनार्दन का सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने अपने जिला पंचायत सदस्य को 4 नंबर आपने सदस्य नहीं चुना है, आपने अध्यक्ष चुना है। और इसी आशा के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिमरिया विधायक कान खोल के सुन लें, जिन्होंने अपने इस 4 नंबर वार्ड से प्रत्याशी को लड़ाया, 5 नंबर से लड़ाया, 6 नंबर से लड़ाया और 7 नंबर से लड़ाया, उनके सारे प्रत्याशी ध्वस्त हो गए हैं। और सुंदरिया बहन जैसी महिला प्रत्याशी इस सेमरिया विधानसभा से वार्ड क्रमांक 4 से अध्यक्ष और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये कांग्रेस पार्टी से, ये देखिए कांग्रेस पार्टी के सुंदरिया बहन जिंदाबाद, मिश्रा जिंदाबाद। मेरा इतना कहना है, ये भी हमका नहीं, मेरा इतना कहना है कि मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग जी से कि आपने जिस प्रकार इस पंचायती राज का मतपत्र से मतदान करवाया है, उसी प्रकार आप आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव मतपत्र से कराएं। आप देख लीजिए इस भिन्न नहीं मध्य प्रदेश से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, मार्ग नष्ट नाबूद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मतपत्र से वोट करवाया है। आज देखिए पैसा अहम और उनका सारा धन।